हेलो एवरीवन, मेरा एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारिणी फैब्रिकेशन के आए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा स्क्वायर एल्बो कैसे बनाते, कैसे फैब्रिकेशन करते। देखिए, मैं एक डायग्राम ड्रा करके रखा हूँ। देखिए, ये है स्क्वायर, ये 300x500 का स्क्वायर है। ये एल्बो हम लोग कैसे मार्किंग करेंगे मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए, इधर डिटेल्स में दिखाया, कितना भी डिग्री होने दीजिए एल्बो कैसे फैब्रिकेशन करते। देखिए, ये जो स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, 300x500 है। अभी ये जो हाइट है, बेंड का हाइट 500 है, ये 90 डिग्री का है और एक 45 डिग्री का है। जितना भी डिग्री होने दीजिए, अगर आप एक फॉर्मूला के बारे में मालूम हो गया तो कितना भी डिग्री आप कर सकते। देखिए, मैं पहले 90 डिग्री का आपको फैब्रिकेशन करके दिखाता हूँ, ये पीस कैसे कटिंग करते। देखिए, डायरेक्ट आप जिधर मार्किंग करते जो प्लेट के ऊपर, वही प्लेट का एक साइड में एक लाइंडर ये ले लीजिए। लाइंडर 500 के लेंथ का एक लाइंडर ले लीजिए। देखिए, ये 500 हाइट है, 500 लेंथ का एक लाइंडर ले लीजिए। फिर ए पॉइंट में, देखिए ये पॉइंट में 90 डिग्री का, बराबर 90 डिग्री में और एक 500 का लाइन ले लीजिए। ये देखिए, ये बराबर 90 डिग्री है। अभी ये देखिए, इसका हाइट है 500 हाइट है, तो ये अपना 300 है। देखिए, ये पॉइंट से ए पॉइंट तक 300 है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉइंट से ए पॉइंट तक ये 300 है। अगर 300 गया तो 500 से 300 जाने से ये पॉइंट से ए पॉइंट 200 रहता है। अभी देखिए, इधर ये जो कॉर्नर पॉइंट में, ए पॉइंट में 200 का एक सर्कल घुमाइए, 200 रेडियस का एक चाप ले लीजिए। देखिए, ये चाप ले लिया। अभी फिर सेम वही पॉइंट में डिवाइड रख के 500 रेडियस का, ये जो 500 हाइट है, 500 रेडियस का एक चाप ले लीजिए। अभी देखिए, ये आपको, ये देखिए, ये एक प्लेट मिल गया, ये एक प्लेट मिल गया। ऐसे वाला आपको दो प्लेट बना, ऐसे वाला दो प्लेट कटिंग करना, और इसका नीचे का प्लेट, ऊपर का प्लेट कैसे लेआउट मारते, कैसे मेजरमेंट लेते, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, अभी ये हम लोग इनर, ये 300x500 इनसाइड है। अगर प्लेट का थिकनेस 5 mm है तो इसमें देखिए, ये टोटल, ये 500 का रेडियस है लास्ट लाइन, 500 का रेडियस होने से उसका डाया कितना आएगा? देखिए, डाया आएगा 1 मीटर। देखिए, 1 मीटर कैलकुलेटर, देखिए 1 मीटर, अगर ये थिकनेस 5 mm है तो ये इनर का है, इनर डायमीटर है। देखिए, ये 300x300x500 इनसाइड है, इनसाइड है तो आपको 5 थिकनेस में करना है। तो देखिए, 1 मीटर प्लस 5 mm इज इक्वल टू इंटू 3.142, ये आ गया आपका 360 डिग्री का, मतलब टोटल 360 डिग्री का इतना आ गया 3 मीटर एक्स। एक मिनट, 1 मीटर 5 × 3.142 इज इक्वल टू, देखिए 3 मीटर 157। ये 360 डिग्री का 3 मीटर 157 है। अब आपको 90 डिग्री का चाहिए, डिवाइड फोर करेगा तो इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए, 90 डिग्री का कितना आया, 789.42। ये जो लाइन है, ये लेंथ 789.42। आप डायरेक्ट प्लेट के ऊपर आ जाइए, एक साइड से एक लाइन डोल ले लीजिए, 789.4 का एक लाइन ले लीजिए। ये लाइन लेने का बाद, ये विड्थ कितना है, 500 विड्थ है, 300x500, ये तो 300 है तो ये 500 रहता है, ए साइड। देखिए, ये जो हाइट है,
ये 500 रहता है। इसको पैरालल करके ये पॉइंट से लाइन टेप पकड़ के इधर 500 इधर 500 लेके और एक लाइनर मार दीजिए। ये लाइनर मारने के बाद देखिए ये लाइन को ए लाइन ए पॉइंट को ए पॉइंट मिला दीजिए। देखिए आपका ये एक प्लेट मिल गया, ये साइड वाला ऊपर साइड का एक प्लेट मिल गया। अभी नीचे साइड क्या कैसे करना, नीचे साइड ये 200 रेडियस है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये रेडियस कितना है। देखिए ये 200 का रेडियस है, देखिए 200 का रेडियस है, 200 का रेडियस है तो 200 देखिए 200 इंटू 2 डायमीटर करेगा तो एक देखिए डायमीटर 400 हो गया। अगर इनसाइड ही रेडी हम लोग का ये इनसाइड है, अगर उसको इसमें हम लोग देखिए इधर प्लस 5 एम आउटसाइड बोल के प्लस 5 एम किया, इसमें से माइनस 5 एम करना है, जो थिकनेस माइनस करना है 5 एम इज इक्वल टू देखिए 395 इंटू 3.142 इज इक्वल टू देखिए 1241.9। ये जो टोटल 360 डिग्री को 1241.9, अगर 90 हम लोग 90 डिग्री को करना है लेना है लेंथ 90 डिग्री को लेना है तो डिवाइड 4 इज इक्वल टू देखिए 90 डिग्री को 310.2 310 देखिए सेम ए प्लेट साइड में एक 310 का लाइनर ले लीजिए, फिर आप साइड 500 अपना 500 है ए पॉइंट से 500 है ए पॉइंट से 500 लेके और एक पैरेलल में और एक लाइन ले लीजिए, बाद में ए पॉइंट को ए पॉइंट लाइनर मार दीजिए, ए पॉइंट को ए पॉइंट लाइनर मार दीजिए। देखिए ये आपका ऊपर का हो गया, ये साइड का ये देखिए ये प्लेट ये साइड क्या हो गया। अभी ये जो प्लेट है ये बॉटम साइड क्या है, ये बॉटम साइड का प्लेट, ये टॉप साइड का प्लेट, ये दो प्लेट, ये सिंगल एक प्लेट, ये एक प्लेट और ये दो प्लेट कटिंग करेगा तो आपको इसको रोलिंग करके उतना रेडियस है 500 रेडियस में इसको रोलिंग करके ऊपर लगा सकते और ये 200 रेडियस में इसको रोलिंग करके इधर लगा सकते। ये हो गया 90 डिग्री का, आपको जितना डिग्री चाहिए, अगर 45 का डिग्री होना तो आपको देखिए मैं 45 कैसे लेआउट मारते मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर 45 डिग्री का होना तो पहले एक लाइन ले लीजिए प्लेट का ऊपर 500 लेंथ का, हाइट 500 है इसलिए 500 लेंथ का, ये भी 500 ले लीजिए। देखिए ये 500 लेने का पार्ट आपको 45 डिग्री में ये करना है, ये रेडियस मार दीजिए। देखिए 200 वही ये भी सेम है, 200 रेडियस है इधर, रेडियस 200 देखिए, फिर ये पॉइंट में और एक रेडियस है 500। देखिए ये आपको देखिए ये 90 डिग्री है, अगर 45 डिग्री करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। देखिए अभी ये 500 लाइन, ये जो नीचे का 500 लाइन है उसको पैरेलल करके ऊपर एक 500 का लाइन ले लीजिए, ये पॉइंट से 500 इधर तो ऑलरेडी मार्किंग है, फिर ए पॉइंट से 500 लेके और एक लाइन ले लीजिए। इसका डिग्री करने काटने के लिए देखिए ये ले लिए, उसका फॉर्मूला क्या है,
45 डिग्री करने का, tan 45 इज इक्वल टू इनटू 500 इज इक्वल टू, देखिए tan 45 इज इक्वल टू इनटू 500 इज इक्वल टू, देखिए 500 आया। अभी ये पॉइंट से फिर इधर 500 लेके ये जो लाइन है, देखिए ये पॉइंट से इधर ये लाइन के ऊपर 500 जहां आता वहां के पॉइंट ले लीजिए। पॉइंट लेने के बाद देखिए ये पॉइंट को ये पॉइंट आप मिला देगा तो वेरी सिंपल है, ए पॉइंट मिला देगा तो आपको 45 डिग्री में आ जाता है। आप एक साइड को निकाल सकते हैं, एक साइड निकाल दीजिए। अब देखिए ये आपको 45 डिग्री में, देखिए मैं आपको दिखा रहा था इसका डिग्री 45 है क्या नहीं है, देखिए ये 45 डिग्री में आपको मिल गया। ऐसे वाला आपको दो प्लेट होना, ये वाला दो प्लेट होना, ये वाला दो प्लेट होना। अभी ये साइड वाला कितना आता, साइड ये देखिए अगर ये हम लोग को 360 में डिवाइड किया, 4 में डिवाइड किया तो 90 डिग्री का आया। अगर 45 करना है तो 360 डिवाइड 80 होने से 45 डिग्री आता, इसलिए जितना सर्कमफेरेंस आएगा उसको 48 में डिवाइड करेगा तो आपको 45 डिग्री का आ जाएगा ये इसका लेंथ। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, रेडियस तो सेम है, देखिए 1005 मतलब 500 का रेडियस, 500 का डायमीटर है इनटू 22 डिवाइड 7 बाय 3.142 वही सेम है। देखिए 3 मीटर 158 ये 360 डिग्री का, अगर 45 डिग्री का होना तो डिवाइड 8 इज इक्वल टू डिवाइड 8 इज इक्वल टू देखिए 394। ये जो प्लेट हम लोग मार्किंग किए, देखिए अगर ये हम लोग 394 का होगा और एक प्लेट मार्किंग करेगा तो 500 बिट रहेगा, ये 394 देखिए सेम, ये जैसे मार्किंग की है ऐसे ये प्लेट भी मार्किंग कर सकते हैं। फिर नीचे का भी सेम है, जितना आएगा मतलब ये एक ध्यान में रखिए इनसाइड डायमीटर दिया तो इधर 5 mm प्लस किया थिकनेस का, लेकिन इधर माइनस किया, देखिए 200 × 2 400 हो गया डायमीटर, 400 − 5 इज इक्वल टू इंटू 3.142 इज इक्वल टू डिवाइड 8 देखिए 155। ये साइड का प्लेट 155 आप 155 बाई 500 देखिए 155 500 ये प्लेट देखिए, ये आपको ये साइड वाला प्लेट मिल गया। देखिए ये साइड वाला प्लेट जो है ये साइड प्लेट रही है, अभी ये साइड वाला आपको ये प्लेट आ जाएगा, देखिए इसमें मैं मार्किंग कर दिया खाली, ये प्लेट आ जाएगा, उसको रोलिंग करेगा तो आपको दोनों साइड में लगा सकते हैं। ये वाला टू नंबर्स कटिंग करेगा तो ये वन पीस कटिंग करेगा तो आपको स्क्वायर डक्ट मिल जाएगा। अभी देखिए इस तरह का स्क्वायर डक्ट आप अगर जॉइंट करके रोलिंग करके ऐसे फिटिंग कर देगा तो आपको ये 90 डिग्री या 45 डिग्री का स्क्वायर डक्ट मिल जाएगा। ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा हेल्पफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।